हेलो क्लास, आज पार्ट 7 केसर वाले देश में पाठ की शुरुआत की जा रही है। केसर वाला देश कहा किसी क्या है? कश्मीर को। यहाँ पर लेखक ने कश्मीर की यात्रा की है और वहाँ के मनोरम दृश्यों और वहाँ की प्राकृतिक छटा का यहाँ पर मनोहारी वर्णन किया है। तो ये एक यात्रा वित्रांत है। यात्रा वित्रांत का अर्थ क्या होता है? यानी जब कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य के सुंदर स्थानों की यात्रा करता है तो शब्दों के माध्यम से उस स्थान के अनुभव को वो दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। तो आइए देखते हैं लेखक ने क्या देखा और सुना है और उससे उन्हें क्या अनुभव मिला है। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या यह थी कि न स्वर्ग देखा था और न कश्मीर। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है या कश्मीर कैसा है? इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे यह एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर हैं। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है, लेकिन यहाँ एक मंदिर ही नहीं है, अनेक मंदिर हैं और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं स्फटिक के, शायद भारत भर में दूसरे ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ पर पहले जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर की प्रशंसा बहुत सुनी, लेकिन उन्होंने कभी कश्मीर को देखा नहीं। और कश्मीर को हम लोग भारत का स्वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि कश्मीर की प्राकृतिक छटा बहुत ही अनुपम है, उसका प्राकृतिक रूप बहुत ही सुंदर है। तो उसकी सुंदरता की कल्पना किससे की जाती है? स्वर्ग के समान की जाती है। तो जब लेखक उसकी इतनी प्रशंसा सुनता है तो वो वहाँ पर जाने की सोचता है, और सोचता ही नहीं वहाँ जाने का वो कार्यक्रम भी बना लेता है और वहाँ पहुँचता है। तो सबसे पहले वो रेलगाड़ी से पठानकोट तक जाता है, लेकिन फिर जम्मू तक भी वो जाती है, तो वो जम्मू भी जाता है। और जम्मू के बारे में क्या प्रसिद्ध है कि वो मंदिरों का शहर है। वहाँ आपको अनेक देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देंगे। तो पहले यहाँ पे लेखक ने जिस देवता की चर्चा की है वो कौन है? महादेव यानी शंकर जी। और यहाँ एक विशेष मंदिर की उन्होंने चर्चा की है, वो कौन है? स्फटिक के महादेव जी। आगे ये कहाँ पहुँच रहे हैं? जम्मू। और जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं जीवन अकारत है। यानी अक्सर लोग जम्मू इसीलिए जाते हैं ताकि वैष्णो देवी की वो पूजा कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण ये नहीं था कि वे देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुँचने में जितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं उतने में तो अच्छे अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े थुलथुल थे, यानी थोड़े से मोटे थे, इसलिए उनको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती, इसलिए वो देवी के दर्शन के लिए नहीं जाते। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव जाना तय किया। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, पहले छोटे फिर बड़े। पटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच खड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊँचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। ये पहाड़ थे बड़े घसकीले, यानी फिसलन वाले थे। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं, सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टान हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर होता है। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे, यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ पर चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया है। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा तोड़ दो, इस पार आर पार हो जाएगी। अगर ना हुई तो कईयों के मन ने पूछा तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा। बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो लग रही है, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना ही भरोसा होना चाहिए। यहाँ पर लेखक जब जम्मू पहुँचते हैं, जम्मू से आगे तक का रास्ता उन्होंने किस प्रकार से तय किया, उन्होंने किस प्रकार की सुंदर
वनों को और सुंदर घरों को देखा, और उसको देखने के बाद जब वो बस से चलने लगे तो वो एक घुमावदार रास्ते पर भी पहुंचे। उसमें इतने मोड़ थे जिसे गिनना भी कठिन था, और अंत में उन्हें जवाहर सुरंग किस प्रकार बनी इसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।